हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है गाइस, उसमें हमें लिटिल बिट जो चेंज है वो अब हमने देखने को मिल रहा है। तो ये एक चेंज क्या है, इसके अलावा गाइस कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके भी जो आंसर्स है गाइस, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते तो क्या है, तब भी हमें जो चार्जेस है वो पे करना पड़ता है, क्या हम अकाउंट ईजिली क्लोज कर पाते हैं। इसके अलावा गाइस जब हम चार्जेस पे करते हैं तो वो चार्जेस कहाँ से कटते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटते हैं या फिर वॉलेट से कटते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें गाइस वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा इस, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो गाइज अपस्टॉक की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है गाइज, जिसमें बताया गया है कि जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है गाइज वो अब पेड हो चुकी है। पहले जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थी वो फ्री थी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो अकाउंट है वो ओपन कर पाते थे, बट गाइज अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो अकाउंट है वो ओपन नहीं कर पाएंगे। जब भी अभी हम एक नया अकाउंट खोलेंगे गाइज अपस्टॉक पे, तो हमें कुछ पैसे पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट है गाइज 99 रुपीज़ पर प्लस GST, मतलब ऑलमोस्ट 116 रुपीज़ आपको पे करना पड़ सकता है एक नए अकाउंट ओपन करने के लिए अपस्टॉक पे, ठीक है। इसके अलावा गाइज बीच में जो रेफरल अमाउंट है वो 300 रुपीज़ हो गया था, अब वापस जो रेफरल अमाउंट है गाइज वो 500 रुपीज़ हो गया है। मतलब अगर आप किसी को रेफर करते हो और वो अगर सक्सेसफुली अकाउंट ओपन करता है तो आपको 500 रुपीज़ जो है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे गाइस बहुत सारे लोगों का पूछना रहता है कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर उसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, बस हम रेफर करते हैं, तो क्या हमारे तब भी मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो कटेंगे? तो जी हाँ गाइस, जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस है वो कटते हैं। अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते हो तब भी आपको जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो देना पड़ता है। अगर आप अपस्टॉक में हेल्प एंड सपोर्ट पर जाओगे और वहाँ पर चार्जेस टाइप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जेस क्यों कटते हैं और कितने कटते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब चार्जेस कटते तो क्या वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटते या फिर अपस्टॉक का जो वॉलेट है वहाँ से कटते? तो देखिए गाइस, आपके जो पैसे हैं जो चार्जेस है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं कटते, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो पैसे है गाइस वो आपके जो अपस्टॉक का वॉलेट है वहाँ से कटते, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम जो पैसे वो हम अपस्टॉक के वॉलेट में डालेंगे नहीं तो कटेंगे कैसे? तो देखिए गाइस, जो पैसे मंथली चार्जेस कटेंगे, अगर अपस्टॉक के वॉलेट में आपके पैसे नहीं है तो वहाँ पे आपको माइनस में जो पैसे वो देखने को मिलेंगे, और जब भी आप उस वॉलेट में पैसे डालोगे तो आपके जो पैसे गाइस वो फिर वहाँ से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। और अब आप बोलोगे कि अगर हम कभी पैसे डालेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो देखो, अगर आप कभी पैसे डालोगे ही नहीं तो वहाँ पे माइनस माइनस आपको देखने को मिलेगा, और जब अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे माइनस हो रहा है तो मेरे को अकाउंट वगैरह क्लोज करना है, तो अकाउंट क्लोज करने के टाइम फिर आपको वो जितना भी वहाँ पे माइनस में जो अमाउंट है वो पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो अकाउंट है गाइस उसको क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा गाइस अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अकाउंट क्लोज करने के लिए गाइस आपको जो अपस्टॉक की वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे डिस्क्लोजर जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके वो फॉर्म फिल करना पड़ता है और उस फॉर्म को फिर पोस्ट करना पड़ता है फिजिकली। तो ये जो अपस्टॉक के अकाउंट को क्लोज करने की प्रोसेस है गाइस वो थोड़ी लेंदी है बट ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर उसको पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन के जो डाउट्स है गाइस वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। होप्स आपको भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइस कैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, रेफर एंड अर्न कैसे करते हैं, कैसे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पैसा वगैरह मिल सकता है, तो इन सारी प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना के रखे हैं। तो उसके जो लिंक्स है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो, आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें।